फिर हम आपके बीच रिपेयरिंग के कुछ नए पहलू के साथ आए हैं। जैसे कि लगातार हमारी चैनल आपके बीच कुछ नए नए अपडेट के साथ, नए नए रिपेयरिंग के साथ आती रही है और वो आती रहेगी। तो विषय यह है कि आज का टॉपिक क्या है, हम किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। उसको बोलने से पहले, उस पर काम स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, आपके साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं। हमारी चैनल एक इंफ्यू जो लगातार आपके बीच रिपेयरिंग के नए नए फंडे को लेकर के आ रही है। यहाँ पर तमाम कंप्लीट गैजेट्स जो अभी आज के डेट में मार्केट में चल रही है, जैसे मोबाइल, स्मार्टफोन, इसका चिप लेवल कंप्लीट कोर्स हम करवाते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से। इसके अलावा हमारे यहाँ पर लैपटॉप, कंप्यूटर और स्मार्ट टीवी की भी कम्प्लीट कोर्स करवाई जाती है। स्मार्ट टीवी 10 LED LCD जो भी आ रहे हैं, 18 इंच, 22 इंच, 32 इंच या उससे ज़्यादा जितने भी आ रहे हैं, उसका कम्प्लीट ट्रेनिंग हम करवाते हैं। अगर आपको हमारे साइट यानी हमारे इंस्टीट्यूट का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो के नीचे चल रहे स्लाइड में जो हमारा नंबर 9708441666 इस पर आप कॉल करके अपनी तमाम जानकारी ले सकते हैं, अपना कंप्लीट कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा साइट akinfo.co.in या akinfo.co पर ऑनलाइन सर्च करके आप तमाम जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा आपके सामने जिस चैनल से आप देख रहे हैं, इसके अलावा फेसबुक वगैरह हर जगह पर हम आपके बीच सोशल मीडिया के जरिए भेज सकते हैं। फिलहाल देखते हैं आज का टॉपिक और रिपेयरिंग क्या होगा। हमारे पास इतने सारे फोन, इसमें कंप्लीट फोन में दिक्कत है। एक फोन हमारे सामने है जो आप देख रहे हैं, सैमसंग का मॉडल है, सैमसंग B310E। ये मॉडल लगातार कंपनी में जो है एक नई नई फॉल्ट को लेकर के उभर रही है। इसमें सबसे ज्यादा फॉल्ट आ रहा है नेटवर्क का। फिलहाल हमारे पास जो आज इसमें रिलेटेड फॉल्ट है वो रिंगर से है, पर हम कैसे पता करें कि फॉल्ट क्या है? तो देखिए, जब मैं इसमें इसका लॉक खोल देता हूँ, इसका लॉक खोलने के बाद मैं इसमें सॉन्ग प्ले करूंगा। सॉन्ग को प्ले करने के लिए हमने इसके म्यूजिक ऑप्शन को खोला। म्यूजिक के ऑप्शन को खोलने के बाद ऑल ट्रैक पे गए, नॉर्मल हमने कोई सा एक सॉन्ग प्ले किया। वॉल्यूम फुल है, वॉल्यूम फुल होने के बावजूद भी गाना प्ले हो रहा है, लेकिन इसमें से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। दिखाई दे रहा है आपको, शायद आप सुन पा रहे होंगे, यहाँ पर प्ले है बावजूद भी आवाज़ नहीं दे रहा है। तो आज का टॉपिक हमारा यही होगा कि हम इस चीज़ को रिपेयर कैसे करें अगर इसका रिंगर काम नहीं कर रहा हो। तो चलिए सबसे पहले हम इसे ऑफ कर देते हैं। इसको ऑफ करने के बाद मोबाइल को डिसेंबल कर लेते हैं। हमने इसका बैक कवर खोल दिया, बैटरी खोल दिया, इसमें सिम भी लगा हुआ है खोल दिया, मेमोरी कार्ड लगा है इसको खोल दिया। यहाँ पर कंप्लीट 3 स्क्रूव्स लगे हैं, इन स्क्रूव्स को भी हम खोल देंगे। और इस स्क्रूव को खोलने के बाद हम आगे देखते हैं कि क्या सीन है। अगर आप कंप्लीट चिप लेवल की जानकारी चाहते हैं, जैसे कि आप देखते हैं लगातार वीडियो में नए नए फॉल्ट के साथ आपके बीच आ रहे हैं और इजी वे से वो चीज़ रिपेयर हो जाता है, और आप भी चाहते हैं कि कंप्लीट जानकारी चाहिए आपको, आप काम जानते हैं या आप बिल्कुल भी काम नहीं जानते हैं बट काम सीखने की इच्छा रखते हैं, तो आप भी हमारे सेंटर विजिट कर सकते हैं। आप 1 से 2 डेमो क्लास करके देख सकते हैं जो आपके लिए फ्री है, निःशुल्क है, उसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। कंप्लीट रिपेयरिंग के साथ साथ उससे के साथ जो रिपेयरिंग के टूल्स या फिर उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सेमेस्टिक सर्किट डायग्राम, ये कंप्लीट हम लोग अवेलेबल करवाते हैं आपको। इसमें लॉक काफ़ी टफ होता है तो इसीलिए इसमें किसी ओपनर का हेल्प नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है इसके बॉडी पे निशान आ जाता है, इसलिए इसमें ज़्यादातर काम नाखून या ओपनर आता है, एक माइनस बीट का, उससे यूज़ कर सकते हैं आप। तो देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, ये लाउड स्पीकर और स्पीकर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम गाना चला रहे थे, इसीलिए इसमें लाउड स्पीकर यानी कि रिंगर की फॉल्ट आ रही थी। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हम रिंगर को चेक कर लें भाई रिंगर ठीक है या खराब है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि मल्टीमीटर को बजर रेंज पर सेट कर देंगे और मल्टीमीटर के दोनों प्रोब से पहले मल्टीमीटर को चेक कर लिया जाएगा। उसके बाद रिंगर की टेस्टिंग क्या होती है, मल्टीमीटर के बजर पॉइंट से चेक करने पर दोनों तरफ बीप साउंड के साथ यहाँ पर जो वैल्यू आएगी सिमिलर यानी कि इक्वल वैल्यू हो, हम चेक करते हैं। इसको बीप दे रहा है और इसकी वैल्यू आ रही है 5454 आ रहा है। वायर को पलट करके देख लेते हैं कि हमारा रिंगर सही है या खराब है। मेरे ख्याल से आपको इस रिंगर की कंडीशन दिख रही होगी, हमारा रिंगर बिल्कुल ओके कंडीशन में है। विषय यह है कि अब इसका सप्लाई खराब है या क्या, किस तरह से ये काम नहीं कर रहा है, इस चीज़ को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमने इसके रिंगर को हटाया, रिंगर का पॉइंट यहाँ पर है यानी कि रिंगर की सप्लाई स्लॉट यहाँ पर बनी हुई है प्रिंट वाइज बोर्ड के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो हमने क्या करना है कि अब इसको साइड कर देना है और इसके सप्लाई को चेक करना है। पर कैसे, तो देखिए
किसी भी सप्लाई को चेक करने के लिए बड़ा इजी और सिंपल मेथड होता है। आईसी से जुड़े हुए कोई भी ड्राइव्स को हमें चेक करना हो तो ग्राउंड पे रेड वायर रखकर के उस सप्लाई को जब चेक करेंगे तो अगर ग्राउंड से जुड़ा होगा तो बिट देगा और सप्लाई से जुड़ा होगा तो वैल्यू देगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसके दोनों पॉइंट को प्रॉपर चेक करेंगे। हम इसके पहले पॉइंट को चेक किए, हमने एक वायर को ग्राउंड पे रख दिया, दूसरे ब्लैक वाले वायर से चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर 467 यानी कि 467 का वैल्यू बन रहा है, यानी कि ये सप्लाई क्या है, ठीक है। अब हम इसके दूसरे पोल पर आते हैं, यहाँ पर देखिए मेरे ख्याल से कोई वैल्यू नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसका ये सप्लाई टूटा हुआ है। इसको ट्रेस करने का बड़ा ईजी मेथड, जो ट्रैक चालू है इस ट्रैक के लिए कंपोनेंट को चेक कर लीजिए, उसके भी आप उसके बगल में जो कंपोनेंट लगा होगा वहां से उसका कनेक्शन बना दीजिए। जैसे देखिए इसके इस ट्रैक का कंपोनेंट इस एरिया में, अब इसमें हमें फाइनल नहीं है पता कि भाई इसमें कहां से कैसे किस तरह का कनेक्शन है इसमें, तो क्लियरली जिसका ट्रैक चालू है यहाँ पर इस ट्रैक पर कनेक्शन है, इस ट्रैक पर हमने यहाँ पर रखा एक वायर को और यहाँ से हम इस सप्लाई में कंपोनेंट चेक करना स्टार्ट किया। इसमें दो को कॉयल होगा इकट्ठे लगा हुआ, यहाँ पर देखिए एक कॉइल आपके सामने लगा हुआ है जो बीप दे रहा है, कॉइल है नॉर्मल दोनों तरफ बीप देगा, एक एनपीसी लगी है और एनपीसी के जस्ट सामने यहाँ पर एक पॉइंट है। इसके बाद ये चला गया रिंगर आईसी के अंदर, इस रिंगर आईसी में इसकी सप्लाई जा रही है। इसके बाद अगर हम इसके दूसरे पोल की बात करें तो इसकी सप्लाई इसके जस्ट अपोजिट होगी, तो यहाँ तक इसका सप्लाई होना चाहिए, यहाँ पर देख रहे हैं आप यहाँ पर इसकी सप्लाई बन रही है बट यहाँ से इसकी कनेक्शन नहीं है, जबकि हम इस सप्लाई को ग्राउंड डायरेक्शन में देख रहे हैं तो यहाँ पर ये वैल्यू दे रहा है 465 जबकि यहाँ पर इसकी वैल्यू थी 465, मतलब सिमिलर वैल्यू है दोनों की। कुल मिलाकर के हम यहाँ से एक जम्पर उठाएं यहाँ तक लगा दें या इन दोनों पॉइंट को शॉर्ट कर दें जो यहाँ से यहाँ तक बीप दे रहा था तो हमारा रिंगर शायद काम कर जाए। तो चलिए हम आपको ये दिखाते हैं शॉर्ट करके काम करता है या नहीं करता, अगर नहीं करेगा तो फिर हम रिंगर ऐसी को चेंज करेंगे, पर कैसे तो पहले एक स्टेप पूरा करके देखते हैं। अब हम इन दोनों पोल को आयरन के हेल्प से कर देंगे शॉर्ट, यहाँ पर इस कॉइल को बदला भी जा सकता था, इसको हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास ये कॉइल अवेलेबल नहीं है जो इसके सिमिलर डायरेक्शन में लगा हुआ है, हम इनके दोनों पोल को शॉर्ट करके देख लेते हैं। अगर शॉर्ट करने पर हमारा रिंगर काम कर जाता है तो ठीक है, अगर नहीं करेगा तो फाइनली हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। हमने इनके दोनों पोल को शॉर्ट कर दिया है और इस पोल को शॉर्ट करने के बाद हम इस पर चेक करके देख लेते हैं कि इस पर वैल्यू बनी या नहीं, सप्लाई चालू हुआ या नहीं। तो पहले इन दोनों पोल को देख लीजिए, यहाँ पर हमने जम्पर लगाया है कंटिन्यूटी बना रहा है और यहाँ पर भी दोस्त वैल्यू आना स्टार्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, मोबाइल को पैक करेंगे और पैक करके चेक कर लेंगे कि हमारे रिंगर काम करनी स्टार्ट करी है कि नहीं करी है। तो चलिए देखते हैं एक बार पैक करके इसको, हम इसमें फिर से मेमोरी कार्ड लगा देते हैं कि कोई गाना सुन लिया जाए और चेक भी हो जाए साथों साथ। बैटरी लगा दिए और मोबाइल को ऑन कर रहा हूँ, ऑन होगा मोबाइल अभी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, इस तरह की चिप लेवल की कंप्लीट इवनिंग अगर आप चाहते हैं तो हमारी संस्था नाम याद रखिएगा एके इन्फो और वीडियो पैनल के साथ चल रहे नीचे नंबर पर आप कॉल करके आसानी से जानकारी ले सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग लेने से पहले अगर आप चाहें तो एक दो डेमो क्लास लेकर के दे सकते हैं जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। यहाँ पर कंप्लीट गैजेट्स रिपेयरिंग के जो हैं, जैसे हो गया आपका मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन और तो और स्मार्ट टीवी की भी क्लास हम लोग करवाते हैं जो कंप्लीट चीप लेवल की। चलिए आज हम इसको प्ले करके फिर से देखते हैं कि गाना चल रहा है। ओ गाना चलना शुरू हो गया सर, उस समय कोई ढंग का गाना बजा के देख लेते हैं। मोबाइल वाले को शायद ओल्ड सॉन्ग ज्यादा पसंद है। चलो अब इसको वापस पैक कर दिया जाए। तो जैसे कि आपने देखा कुछ समय लगा और मोबाइल हमारा आसानी से रिपेयर हो गया, इसके लाउड स्पीकर काम करने लगे जो कुछ देर पहले काम नहीं कर रहे थे। आप भी अगर चाहें तो इस तरह से आसानी से रिपेयरिंग कर सकते हैं, रिपेयरिंग सीख सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड में और काम जानना चाहते हैं आप बेटी सलाह के नीचे चल रहे नंबर पर कॉल करें, एक इन्फो कंपनी का नाम है, एड्रेस कंप्लीट ले लें। जानकारी लेने के लिए आप हमारे सेंटर पर आ सकते हैं, आने के साथ एक से दो डेमो क्लास भी आप ले सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि आपका एजुकेशन बेहतर हो, बाकी भी क्लास से लेकर अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी भी इस कोर्स को कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि एजुकेशन इसमें मेन माने रहता है, कम्प्लीट प्रैक्टिकल कोर्स है, हुनरमंद बनना है आपको तो आप ट्राई कर सकते हैं इस चीज़ को अगर आप।
काम जानना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। सेकंड मैटर कि अगर आपको हमारे चैनल के द्वारा दिए गए वीडियो से रिपेयरिंग होती है, आपको ये रिपेयरिंग बेहतर लगता है, तो आपको हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उसके साथ बेल आइकन यानी कि घंटी नुमा एक चीज होगा, उस पर अगर आप क्लिक कर देते हैं, उसे आप क्लिक कर देंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे चैनल पर आने वाले हर एक वीडियो जो आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलते रहेगा, उसे प्ले करके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।